दोस्तों, हाल ही में आई आदि पुरुष के टीजर के बाद आदि पुरुष के खिलाफ गर्मा गर्मी छिड़ी हुई है। इसके पीछे का कारण है, आदि पुरुष में प्रभु श्री राम जी का पात्र और अन्य पात्रों को जिस तरह से दिखाया गया है। फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर अब विवाद हो रहा है। रामायण के जो किरदार है उनके चित्रण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी ऐतिहासिक घटनाओं पर इस तरह की फिल्में बनती हैं, ये बाय चांस है कि विवाद उनके साथ हो जाता है या जानकर के विवाद किया जाता है आज का? आइए आज हम देखते हैं 1987 में आए रामायण में प्रभु श्री राम जी का पात्र और अन्य पात्रों को किस तरह से दिखाया गया था, और आदि पुरुष में प्रभु श्री राम जी के पात्र और अन्य पात्रों को किस तरह से दिखाया गया है। हम चित्र के जरिए देखेंगे और वीडियो के आखिर में ये चर्चा करेंगे कि आदि पुरुष के खिलाफ जो लोगों का रवैया है वो सही है या गलत है। अभी जो चित्र आप देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी का चित्र है जो 1987 का रामायण का है, और ये चित्र आदि पुरुष का है प्रभु श्री राम जी का। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये माँ सीता जी का है जो 1987 का रामायण का है, और ये चित्र आदि पुरुष का है माँ सीता जी की। ये चित्र हनुमान जी का है 1987 का। आदि पुरुष में हनुमान जी के पात्र को कुछ ऐसा दिखाया गया है, और ये 1987 का रामायण का रावण है। उस समय रावण का पात्र कुछ ऐसा दिखाया गया था रामायण में, और आदि पुरुष में रावण को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि पात्र को कितना बदला गया और कितना नहीं 1987 के रामायण में और आज के आदि पुरुष में। लेकिन अगर मेरा राय जानना चाहते हो तो मैं कहूँगा पात्रों को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।